Hello students, this is our lecture number 6, chapter number 2, polynomials. Fifth lecture में हमने divide से related जो questions हैं उनको solve किया था और ये वाला lecture हमारा काफ़ी ज़्यादा important होगा क्योंकि इसमें हम जो question कर रहे हैं वो board examination में definitely sure ये question जरूर आता है, तो ये question जरूर बनेगा board examination में, इसलिए इस question को बहुत ज़्यादा ध्यान से ऑब्जर्व करना, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना इसे. ओके, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. हमारा टॉपिक है जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, या फिर हमारा जब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा तो उसके अंदर बाई क्वाड्रेटिक का मतलब 4 डिग्री, और 4 डिग्री के अंदर नंबर ऑफ जीरोज़ कितने पॉसिबल है? 4. तो उसमें अगर 4 जीरोज़ हो सकते हैं तो 2 जीरोज़ हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होंगे और 2 जीरोज़ हमें फाइंड आउट करने होंगे. तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पर, तो उन क्वेश्चन को हम एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं और समझते हैं इस टॉपिक को. तो क्वेश्चन हमारा x^4 - 4x³ - 6x² + 28x - 7, और इसके हमें जो जीरोज है वो गिवन है 2 ± √3, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अदर 2 जीरोज़. ओके, सो एक बार ध्यान से समझना इस टॉपिक को, बहुत ज़्यादा ध्यान से, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक होगा. तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें 2 जीरोज़ ऑलरेडी गिवन है और बाकी के 2 जीरोज़ फाइंड आउट करने हैं. 2 जीरोज़ कैसे? ये 2 ± √3 का मतलब है, एक तो 2 + √3 और दूसरा 2 - √3. जैसे कि अगर ये अंडर वाला क्वेश्चन है तो एक हम सिंपल क्वेश्चन एक बार ले लेते हैं. हमारा जो सिंपल क्वेश्चन है x^4 - 10x³ + 35x² - 50x + 24, ये एक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोज गिवन है 2 और 3, तो इसके जो जीरोज है वो गिवन है 3 और 2. सो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जीरोज 4 हो सकते हैं और उसके अंदर 2 जीरोज हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और बाकी के 2 जीरोज हमें फाइंड आउट करना है. तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिल्कुल सिमिलर मैथड होगा. क्या कहता है? 3 स्टेप में हमें सॉल्व करना है. स्टेप नंबर 1, दोनों जीरोज को एक्स के इक्वल पुट कर लो, x = 2, x = 3. तो 2 जीरोज थे, एक तो 2 था और एक 3 था. मैंने x के इक्वल रखा, लेफ्ट साइड में लेके जाओ, लेफ्ट साइड में लेके जाओगे तो ये बन जाएगा x - 2, ये बन जाएगा x - 3. जैसे इस पॉलिनोमियल के हमारे सेकेंड लेक्चर के अंदर जो हमने बात किया था उसके अकॉर्डिंग अगर ये हमारे पास है जीरोज, तो अब जब लेफ्ट साइड में आऊँगा तो अभी ये किसका काम करने लग गए? अभी बन गए फैक्टर्स. तो अभी फैक्टर्स बन गए. ओके, ये जीरोज थे, अब ये क्या बन जाएंगे? हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे. और अगर ये दोनों फैक्टर्स है तो इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर लो. मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को पहले दोनों से, -2 को दोनों से, तो ये बन जाएगा x², एक्स को -3 से -3x, -2 को एक्स से -2x, -2 को -3 से +6. तो अभी हमारा पॉलिनोमियल बन गया x² - 5x + 6. ओके, तो दोबारा बताता हूँ मैंने क्या किया. पहले जीरोज को एक्स के इक्वल रखा, लेफ्ट में लाया, मल्टीप्लाई किया, और अब इसका डिवाइड करना हमारे कंप्लीट पॉलिनोमियल के अंदर. तो x² - 5x + 6 इसका हमें डिवाइड करना है किसके अंदर? x^4 - 10x³ + 35x² - 50x + 24, तो इसके अंदर अब हमें डिवाइड करना है. तो ये प्रोसेस हर क्वेश्चन में सेम रहेगा. पहले जीरोज को एक्स के इक्वल रखेंगे, लेफ्ट में लाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितना मल्टीप्लाई करने पर आया इसका डिवाइड करेंगे हमारे कंप्लीट पॉलिनोमियल में. तो डिवाइड करेंगे हाईएस्ट पावर में, हाईएस्ट पावर का डिवाइड यहाँ होगा x² को 3 से मल्टीप्लाई, x² × x² x^4, x² - 5x - 5x³, x² × 6 6x², साइन चेंज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. नए सिंबल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो x^4 कैंसिल हो जाएगा. अब नए सिंबल के अकॉर्डिंग माइनस में 10 है, प्लस में 5 है, तो माइनस ज़्यादा है, तो माइनस का यहाँ बचेगा 5x³. अब यहाँ पर पॉजिटिव 35 है, नेगेटिव 6 है, पॉजिटिव ज़्यादा है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव 29x², और इन दोनों में से हमें कुछ भी ना तो ऐड करना है ना सब्ट्रैक्ट करना है. फिर से हाईएस्ट पावर के अंदर हाईएस्ट पावर का डिवाइड करते हैं, तो x² का इसमें डिवाइड करेंगे तो x^2 कैंसिल हो जाएगी, बचेगा माइनस का 5x. -5x को भी 3 से इंटू करो, सो -5x × x² - 5x³, -5x × -5x, +25x² -5x × 6 - 30x, साइन चेंज करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए. 29x² में से 25x² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 4x², माइनस में 50x, पॉजिटिव में 30x, तो
तो बच जाएगा यहाँ से नेगेटिव का 20x और पॉजिटिव का 24। ओके, क्योंकि अगर एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव होता तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, और सब्ट्रैक्शन में जिसका सिंबल बड़ा होगा वही रिमाइंडर बचेगा। ओके, फिर से हाईएस्ट पावर के अंदर हाईएस्ट पावर का डिवाइड करते हैं, तो 4x² में x² का डिवाइड करेंगे, बचेगा केवल 4। 4 को मल्टीप्लाई 4x², 4 को -5 से सो -20x, 4 को +6 से सो +24। साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0 बच गया, जो कि डेफिनेटली बचना चाहिए। तो अभी हमने यहाँ इस फैक्टर का कंप्लीट पॉलीनोमियल में डिवाइड किया, डिवाइड फुल टाइम हुआ, तो अब हमारे पास जितनी बार डिवाइड हुआ जो हमारा क्वेश्चन है वो है x² -5x + 4। इसको हमें अब सॉल्व करना है बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, यानी इसके दोबारा से हमें फैक्टर करना है। तो अभी तक हमने क्या किया, जीरोस को x के इक्वल रखा, लेफ्ट में लाए, मल्टीप्लाई किया, और अब इस मल्टीप्लाई का हमने कंप्लीट पॉलीनोमियल जो हमें दे रखा था उसके अंदर डिवाइड किया। डिवाइड में लास्ट में रिमाइंडर 0 बचना ही चाहिए, नहीं बचा तो हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसका मतलब या तो ये मल्टीप्लाई रॉन्ग है या ये डिवाइड रॉन्ग है, दोनों में से कोई एक चीज़ रॉन्ग होगी। तो अभी ये जो कंप्लीट डिवाइड है ये हुआ x² -5x + 4 टाइम, और अब मैं इसको वेक्टराइज करूँगा बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है, ऐड करने पर -5, तो 4 1 4, सो नेगेटिव को 4x, नेगेटिव को 1x, यहाँ पर +4 आएगा या x², इन दोनों में से x को कॉमन लेते हैं तो x-4, या -1 कॉमन आएगा तो x-4, तो x-4 दोनों में से कॉमन आ रहा है तो सेकंड पेयर बन जाएगा x-1। अब इन दोनों को मैं 0 के इक्वल रखता हूँ, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा 4, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। तो ये आ जाएंगे बाकी के दो जीरोज हमें गिवन थे 2 और 3, और बाकी के दो जीरोज आ गए 1 और 4। तो ये हमारा मेथड होगा दो जीरोज जब हमें गिवन होंगे और दो जीरोज जब हमें फाइंड आउट करने होंगे, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल बनता है। ओके, तो अब मैं अब इस अंडर रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूँ, अब इस अंडर रूट वाले क्वेश्चन के लिए समझना। देखो कैलकुलेशन बदल जाएगी, बाकी क्वेश्चन करने का तरीका नहीं बदलेगा, क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो 2 ± √3 का मतलब है 10 है 2 + √3 और दूसरा है 2 −√3। मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले जीरो उसको एक्स के इक्वल रखते हैं, तो x = 2 + √3 एंड x = 2 −√3। लेफ्ट साइड में लाते हैं तो लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो 2 होगा नेगेटिव, ये भी होगा -√3। यहाँ से लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो 2 हो जाएगा नेगेटिव और √3 हो जाएगा पॉजिटिव। अब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ चाहो तो आइडेंटिटी लगा दो या फिर चाहो तो एक एक करके मल्टीप्लाई करो। कैसे, दो तरीक़ों से मल्टीप्लाई सिखा रहा हूँ मैं। पहला तरीका x को तीनों से, -2 को तीनों से, -√3 को तीनों से। ओके, तो पहले x को तीनों से x² -2x + √3x, x हो गया। अब -2 को तीनों से, -2 को इससे, -2x, -2 × -2 +4, -2 × √3 -2√3। अब -√3 को x से, -√3x, -√3 को -2 से +2√3, -√3 को +√3 से, तो ये आ जाएगा -3। ओके, अब यहाँ √3x से √3x कैंसिल हो गया, 2√3 से 2√3, ये कोई 2x से 2x मत काट देना, दोनों नेगेटिव है, सेम सिंबल है। तो ये आ जाएगा x² -2x और -2x मिलकर हो जाएगा -4x, और 4 − 3 होता है +1। या तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर दूसरा मेथड मल्टीप्लाई करने का दूसरा मेथड है मेरा आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी यहाँ पर मैं काम में ले सकता हूँ, कैसे, इसको मैं कह दूँगा a, यहाँ पर भी कह दूँगा a, तो ये a + b, a - b, ये देखो ये a का काम कर रहा है, ये a का काम कर रहा है, तो a + b, a - b, a + b × a - b होता है a² - b², तो ये हो गया a² - √3² इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव में 3, सो अब ये आ जाएगा x², यहाँ से लिखेंगे -4x, और 4 − 3 हो जाएगा +1। तो किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करो, चाहे आइडेंटिटी से चाहे सिंपल, ये आ रहा है सेम आएगा बिल्कुल। और अब मैं इसका डिवाइड करूँगा कंप्लीट पॉलीनोमियल में, तो x² - 4x + 1 का डिवाइड होगा x⁴ - 4x³ + -6x² +
28x माइनस 7 के अंदर, तो इसमें हम अब डिवाइड करेंगे। तो पहले मैंने x के इक्वल रखा, लेफ्ट में लाया, लेफ्ट में लाते हैं इनके सिंबल चेंज करना मत भूलना, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, चाहे सिंपल चाहे आइडेंटिटी से, और अब जितना मल्टीप्लाई हुआ उसका डिवाइड करेंगे कंप्लीट पॉलीनोमियल में। हाईएस्ट पावर का हाईएस्ट पावर में डिवाइड होगा पहले एक्स स्क्वायर टाइम, एक्स स्क्वायर को इन तीनों से मल्टीप्लाई, एक्स टू द पावर 4 नेगेटिव 4x क्यूब और एक्स स्क्वायर को 1 से पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, साइन चेंज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव 7x स्क्वायर, पॉजिटिव का 28x एंड नेगेटिव का 7। फिर से हाईएस्ट पावर का हाईएस्ट पावर के अंदर डिवाइड करते हैं नेगेटिव 7 टाइम, और अब इस नेगेटिव 7 को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव 7 इंटू एक्स स्क्वायर नेगेटिव 7x स्क्वायर, नेगेटिव 7 इंटू नेगेटिव 4x ये आ जाएगा पॉजिटिव 28x, नेगेटिव 7 इंटू पॉजिटिव 1 नेगेटिव 7, साइन चेंज पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इस बार ये तीनों के तीनों कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास में 0। और जितनी बार डिवाइड हुआ इसको हमें फिर से फैक्टराइज करना है, तो दो टर्म का फैक्टराइजेशन मैंने लेक्चर नंबर 3 या 4 के अंदर सिखाया था, आई थिंक 3 के अंदर, और उसमें मैंने बताया था कि दो टर्म जब हमारे पास में होते हैं तो या तो हमें x को कॉमन लेने की कोशिश करनी है, और अगर नहीं ले पाते जैसे इसमें नहीं ले पा रहे तो मैं इसे सॉल्व करूँगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से। तो एक बार फिर से चाहे लेक्चर नंबर 3 जो है उस पर जाकर ये दो टर्म का रिलेटेड जो फैक्टराइजेशन है उसे समझ लेना। इसको मैं x का स्क्वायर लिखूँगा और 7 बी का स्क्वायर होता है खुद के अंडर रूट, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, जिसे हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स प्लस अंडर रूट 7 इंटू एक्स माइनस अंडर रूट 7, दोनों को 0 की इक्वल रखते हैं, इसे जब 0 की इक्वल रखेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा नेगेटिव अंडर रूट 7, और इसे जब 0 की इक्वल रखेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा पॉजिटिव अंडर रूट 7। तो बाकी के जो दो जीरोज है वो हमारे पास आ गए, एक तो अंडर रूट 7 और दूसरा नेगेटिव अंडर रूट 7, तो ये दो जीरोज जब हमें गिवन होते हैं और दो जीरोज जब हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं। एक और रिलेटेड हम क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें फिर से दो जीरोज गिवन होंगे और दो जीरोज हमें फाइंड करने पड़ेंगे। सो एक और क्वेश्चन है जिसे हमारे पास में 2x टू द पावर 4 माइनस 23x स्क्वायर प्लस 45, और इसकी दो जीरोज है प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, ओके, और बाकी की जो दो जीरोज है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल उसी पैटर्न से करेंगे, पहला स्टेप था मेरा x के इक्वल रखना, तो x इक्वल टू अंडर रूट 5 अपॉन 2 और x इक्वल टू नेगेटिव अंडर रूट 5 अपॉन 2, तो मैंने x के इक्वल रख दिया। अब मैं लेफ्ट में लाऊंगा, लेफ्ट में लाकर साइन चेंज करेंगे, x माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 और ये नेगेटिव वाला इधर आएगा पॉजिटिव अंडर रूट 5 अपॉन 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का तरीका होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी लगा देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2, आगे मैं इसका एलसीएम भी ले सकता हूँ, तो 2 आएगा एलसीएम, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5। अब ये मेरा दो तरह के ये प्रोसेस हो सकते हैं, पहला प्रोसेस मैं इसका डिवाइड कर दूँ पॉलीनोमियल के अंदर, ओके ठीक है, तो मैं इसका डिवाइड करने लग जाता हूँ क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई करने पर तो ये आया था, तो मैं इसका डिवाइड करूँगा, ठीक है, इसका डिवाइड करते हैं हम कंप्लीट पॉलीनोमियल के अंदर, 2x टू पावर 4 माइनस 23x स्क्वायर प्लस 45, इसके अंदर हम डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2 का, हाईएस्ट पावर का डिवाइड हाईएस्ट पावर में होगा 2x स्क्वायर टाइम, 2x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई 2x टू पावर 4, 2x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से माइनस 5 अपॉन 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2x स्क्वायर से, 2 से 2 कट गया, क्या बचा माइनस 5x स्क्वायर, तो अपॉन का कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं, बड़े आसानी से ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। सो अब साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव ये पॉजिटिव ये कैंसिल, यहाँ से बचेगा नेगेटिव का 18x स्क्वायर पॉजिटिव का 45, एक बार फिर से हाईएस्ट पावर का हाईएस्ट पावर के अंदर डिवाइड होगा, तो इस बार एक्स स्क्वायर के इसके अंदर डिवाइड करूँगा तो बचेगा नेगेटिव 18, और नेगेटिव 18 को मुझे इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, पहले नेगेटिव 18 को एक्स स्क्वायर से, नेगेटिव 18 एक्स स्क्वायर, नेगेटिव 18 को नेगेटिव 5 अपॉन 2 से, सो नेगेटिव 18 इंटू नेगेटिव 5 अपॉन 2, 2 से कटेगा 9, माइनस माइनस प्लस 9, 5 सा 45, तो यहाँ बन जाएगा 45, साइन चेंज करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर 0, और अब मुझे इसको करना पड़ेगा एक बार फिर से फैक्टराइज, तो 2x स्क्वायर माइनस 18 को फैक्टराइज करने के लिए 2 को कॉमन लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 9, तो यहाँ पर 2 है, इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में रिप्रेजेंट करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ओके सो 2 तो कॉमन है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम बोलते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस सी। अब इन दोनों फैक्टर को हम खैर दो नहीं, मैं तो तीन कहूँगा ना, क्योंकि तीन टर्म मल्टीप्लाई में। अब इन तीनों फैक्टर को जीरो के इक्वल रखते हैं, इसको तो जीरो के इक्वल रखूँगी समय। टू कब होने लग गया भाई जीरो के इक्वल, एक बार इसको रखूँगा एक बार इसको। अगर मैंने एक्स प्लस थ्री को रखा तो एक्स का आंसर आएगा माइनस थ्री, और एक्स माइनस थ्री को जीरो के इक्वल रखा तो एक्स का आंसर आएगा पॉजिटिव थ्री। तो ये बाकी के दो जीरो से जाएंगे, एक तो होगा पॉजिटिव थ्री और दूसरा होगा नेगेटिव थ्री। तो पहले जीरो को एक्स के इक्वल रखेंगे, लेफ्ट में लाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इस मल्टीप्लाई का कंप्लीट पॉलीनोमियल में डिवाइड जो हुआ टू एक्स स्क्वायर माइनस एटीन टाइम। इसको अब हमें फैक्टराइज करना था, तो पहले टू कॉमन आया, उसके बाद बचा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में रिप्रेजेंट किया जिससे बनाए ए प्लस बी ए माइनस बी। और अब जीरो के इक्वल रखने पर एक्स के दोनों वैल्यूज आ गए, एक तो नेगेटिव थ्री और दूसरा पॉजिटिव थ्री। ओके, जैसे कि मैंने बताया था कि इसका हम डिवाइड कर सकते हैं, उसके अलावा हम इसका भी डिवाइड कर सकते हैं। देखो तो अब मैं इसको सेकेंड पैरामीटर से बता रहा हूँ। सेकेंड मेथड होगा कि अगर मुझे यहाँ अपॉन के अंदर डिवाइड करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया और अब मैं इसका डिवाइड करूँगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का, टू यहाँ से हटा दूंगा। रीज़न, किसी भी पॉलीनोमियल में अगर किसी कॉन्स्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उससे उसकी वैल्यू पर फ़र्क पड़ता है, लेकिन जीरोज पर ज़रा सा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मान लो कि मैं यहाँ से टू को हटाऊँ या टू को लगाऊँ, या अगर मान लो मैं इसमें एक्स्ट्रा भी चाहता हूँ कि मैं सिक्स का मल्टीप्लाई कर दूँ, कर दो, ज़रा सा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसके जीरोज नहीं बदलने वाले, जो फाइनल आंसर आ रहा था वही आएगा। तो यहाँ टू को हटाओ लगाओ, टू के बजाय मैं अगर ज़बरदस्ती यहाँ पर एट भी लगा दूँ ना, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि जीरोज वही आएंगे। वैल्यू पर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा लेकिन जीरोज पर फिर बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से टू को हटाओ डायरेक्टली, और टू को हटाने का रीज़न मैंने क्या बोला कि भैया यहाँ से अगर किसी भी कॉन्स्टेंट नंबर का अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा या डिवाइड करूँगा तो उसके जीरोज पर जरा सा भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जीरोज पर फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, और जीरोज पर फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं इसका डिवाइड करूँगा इसमें, तो टू एक्स टू पावर फोर माइनस ट्वेंटी थ्री एक्स प्लस फोर्टी फाइव के अंदर मैं डिवाइड करूँगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का, हाइस पावर का हाइस पावर में डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर टाइम, एक्स स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा टू एक्स टू पावर फोर और ये बन जाएगा नेगेटिव फाइव एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे नेगेटिव, ये पॉजिटिव कैंसिल, यहाँ बचेगा नेगेटिव एटीन एक्स स्क्वायर पॉजिटिव फोर्टी फाइव। फिर से हाईएस्ट पावर का हाईएस्ट पावर में डिवाइड, तो नेगेटिव एटीन एक्स स्क्वायर में टू एक्स स्क्वायर का डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर कटेगा, ये नाइन टाइम, तो यह आएगा माइनस का नाइन, माइनस का नाइन को दोनों से मल्टीप्लाई यानी नेगेटिव एटीन एक्स स्क्वायर और पॉजिटिव फोर्टी फाइव। साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली अब जितनी बार डिवाइड हुआ इसको मुझे फैक्टराइज करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को फैक्टराइज करेंगे, ये एक्स का स्क्वायर होता है, नाइन होता है थ्री का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू एक तो नेगेटिव थ्री आएगा और दूसरा एक्स का वैल्यू आएगा पॉजिटिव थ्री, और ये हो जाएंगे इसके बाकी के दो जीरोस। तो हमने सबसे पहले जीरोस को एक्स इक्वल रखा, लेफ्ट में लाए, मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसको एलसीएम के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका मैंने डिवाइड किया कंप्लीट पॉलीनोमियल में जो डिवाइड हुआ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन टाइम, और इसको मैं फैक्टराइज करूँगा तो उससे आ जाएंगे बाकी के दो जीरोस। तो ये रहा हमारा दो जीरोस जब हमें गिवन होते हैं, और बाकी के दो जीरोस को हम फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं उसका पूरा मेथड। ओके, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना इसको, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो तो 100% आएगा।